भी एक ऐसा कॉरिडोर है कि ये सारे पेशावर को टच कर रहा है। It has a proper feeder system attached to this corridor. खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर 28 लाख आबादी का शहर है। ये शहर सदियों तक तिजारती सरगर्मियों का मरकज रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर की आबादी आइंदा 15 वर्षों में 44 लाख तक पहुंच जाएगी। आबादी में तेज तर इजाफा न सिर्फ मुआशी तरक्की पर असरअंदाज होगा बल्कि इससे कई एक मसाइल भी जन्म लेंगे, जैसा कि रिहायशी मकानात की मांग में इजाफा, ट्रांसपोर्ट और बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी। पेशावर शहर को ट्रांसपोर्ट के हवाले से कई एक मसाइल का सामना है, जिसमें जाती गाड़ियों की कसीर तादाद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अबतर हालत और पैदल चलने वालों के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान शामिल हैं। The magnitude of the problem is very big. We have around a population of 3 million residents and about 3 million cars in the daytime. You are talking about catering to 60-70% of the people of Peshawar on a daily basis. And that's a very big thing for any city. आलमी इदारा बराए सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर दुनिया का दूसरा बड़ा आलूदा शहर है। एक जायजे के मुताबिक फिजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों की अबतर हालत है। सवारी के लिए यहाँ पे बस जो है ना तो 10-10, 20-20 मिनट रास्ते पे जो है ना खड़ी होते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है सारी, लोगों का रवैया बड़ा अजीब सा है, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, खासकर खवातीन के साथ बहुत बदतमीजी होती है। मुआशी तरक्की और आबादी में मुसलसल इजाफे की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र एक बड़ा मसला बन चुका है, जिसके उमूमी तहफ़ और ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों के तहफ़ पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। के मसला दादा छे बीइंग अ फीमेल या एडवोकेट या लॉयर सो बल यो फीमेल भी बच्चे भी मशहूम भी आगे तदा मसला भी चाहिए खुद दादा छे दा स्टॉप टू स्टॉप छे दादा सही उधरी ना स्टॉप बने पर ले रुचते छे ब्रेक लाख कोड़े बस 600 रुपए चालान ट्रिपिक वालों। एशिया के मौशी तौर पर उभरते हुए दीगर शहरों की तरह यहाँ भी जाती गाड़ियों के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है। रोजाना पेशावर शहर में की जाने वाली आमदोरफ्त में 70% से ज्यादा जाती गाड़ियों पर की जाती है। 30 लाख के करीब आबादी वाले शहर पेशावर के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम की अशद जरूरत है, ताकि शहरियों को तेज तर सफरी सहूलियात मुयसर हो सके। इन सारे मसाइल का हल BRT सिस्टम फराहम कर सकता है। So, पेशावर needs BRT system, that needs to be implemented. As the provincial government has been working around or from a year with the Asian Development Bank as its like a partner. एशियाई तरक्याती बैंक जो कि गुज़श्ता 5 दहाइयों से एशिया में गुरबत के खात्मे के लिए कोशां है और पिछले 20 साल से पाकिस्तान के साथ इश्तराक कर रहा है, अब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर पेशावर शहर के लिए BRT की सूरत में पहले मास ट्रांजिट सिस्टम की मनसूबाबंदी कर रहा है। What we are doing is also to bring in some ideas. So we looked on the technical side, at the feasibility, the pre-design, the detailed engineering that is now being developed. But we also look at the institutional aspect. BRT का आगाज 1978 में कोरितीबा में किया गया। BRT मास ट्रांजिट की एक जदीद टेक्निक है। अब तक पूरी दुनिया में ये निज़ाम 5000 किलोमीटर से ज़्यादा वसी हो चुका है और इससे रोज़ाना 3,40,00,000 लोग सफ़र करते हैं। BRT stands for Bus Rapid Transit, which is actually a mass transit system with buses. You take a road, you take the median center of the road, and you put dedicated lanes and stations for the buses to circulate freely within those dedicated lanes. किसी भी मास ट्रांजिट सिस्टम के मुकाबले में BRT सिस्टम कम लागत और कम वक्त में मुकम्मल हो जाता है।
BRT सिस्टम LRT और मेट्रो के मुकाबले में थोड़े सरमाए के साथ ज्यादा मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सलाहियत रखता है और ये निजाम आसानी से वसी किया जा सकता है। तीन आशारिया 5 मीटर चौड़ी एक BRT लेन 1 घंटे में 10,000 मुसाफिरों को एक तरफ ले जा सकती है। इसके मुकाबले में 3 लेन वाली सड़क पर कारें इतने ही वक्त में सिर्फ 5,000 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। दूसरी बसों के मुकाबले में BRT के कई फायदे हैं। इसका मखसूस रास्ता बस को तेज चलने में मदद देता है और इस लेन को आम ट्रैफिक के रश का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसके हमवार प्लेटफॉर्म की वजह से माजूर अफराद के लिए बस में सवार होना और उतरना निहायत आसान है। इसके वसी नेटवर्क और एक ही कॉरिडोर के साथ मुंसलिक बहुत से रूट्स की वजह से मुसाफिरों के सफरी वक्त की बचत भी होती है। जीजोंग BRT गोल्ड स्टैंडर्ड BRT है जिसका आगाज 2015 में हुआ। जीजोंग अब मुकम्मल तौर पर एक जदीद शहर का नक्शा पेश करता है जहां BRT कॉरिडोर के साथ पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों का सफर बहुत आसान हो गया है। साइकिल शेयरिंग सिस्टम के साथ साथ यहां पार्किंग इस्लाहात की वजह से BRT कॉरिडोर के साथ पार्किंग के लिए मुख्तस जगहों की जरूरत भी अब बाकी नहीं रही। BRT दीगर शहरों के लिए भी काबिल तकलीद बन गया है। यहां BRT के आगाज के पहले ही साल के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से हजारों की तादाद में वफूद इस शहर का BRT सिस्टम देखने आए। पिशावर BRT कॉरिडोर की लंबाई 30 किलोमीटर है जिससे तकरीबन 4 किलोमीटर की सड़क को उठाया जाएगा और चंद एक मकामात पर अंडरपासेस भी तामीर किए जाएंगे जिनकी लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। सारी जरूरियात को पूरा करने के लिए 31 BRT स्टेशन तामीर किए जाएंगे। BRT कॉरिडोर चमकनी से शुरू होकर हयातबाद पर खत्म होगा। ये GT रोड के साथ साथ चलेगा और कुछ आम मकामात जैसा कि जनरल बस स्टैंड और हर्षनगरी से गुजरेगा। ये कॉरिडोर शहर की मसरूफ शाहरा अस्पताल रोड और किस्सा खानी रोड से गुजरेगा। सुकार्नो चौक से इस शाहरा को रेलवे रोड तक बुलंद किया जाएगा जहां ये वापस सदर पहुंचने से पहले रेलवे स्टेशन से गुजरेगी। सदर के बाद BRT अपना सफर जारी रखते हुए आम चौक, यूनिवर्सिटी और बोर्ड बस स्टॉप पहुंचेगी जहां से ये पुल के जरिए खुश्क दरिया के किनारे से होती हुई बाबे पिशावर मार्को पोलो पुल पर पहुंचेगी और वहां से ये हबीब जालिब रोड पर मुड़कर तातारा पार्क पहुंचकर रिंग रोड से मुंसलिक हो जाएगी। ये मेन जो अड्डे थे उसको टच कर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स को टच कर रहे हैं, थ्रू हार्ट ऑफ द सिटी जा रहे हैं, तो इसका ये बहुत बड़ा फीजिबल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। It has a proper feeder system attached to this corridor. We're talking about 30 bus stops on the corridor and we're talking about another 100 bus stops on the feeder routes. पिशावर BRT का एक अहम पहलू इसका ऑपरेशनल मॉडल है जिसे डायरेक्ट सर्विस कहते हैं। इस मॉडल की वजह से बसें न सिर्फ मखसूस सड़क पर चल सकती हैं बल्कि इस मखसूस सड़क से अतराफ में उतरकर मुसाफिरों को भी ला सकती हैं। It's very innovative. It's a system which has never been implemented in Pakistan so far because it's a system which provides direct service to the passengers. Basically, the buses will go inside the corridor but will also be allowed to go outside the corridor in mixed traffic. BRT डायरेक्ट सर्विस मखसूस कॉरिडोर और अतराफ से लाने वाली बसों के दरमियान मुसाफिरों की मुंतकली के वक्त को भी कम करती है। इस तरह मुतवाजी सफरी निजाम तामीर किए बगैर BRT की सर्विस का दायराकार वसी किया जा सकता है। ये तवक्को की जा रही है कि पिशावर BRT 8 रूट्स की मनसूबाबंदी के साथ रोजाना तकरीबन 4,50,000 मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुहैया करेगा। BRT कम आबादी वाले इलाकों में 80 किलोमीटर की तवील सड़क के जरिए सफरी सहूलियात मुहैया करेगा।
डायरेक्ट सर्विस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए पहले से मौजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी BRT सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। हम इस पर खुश हैं कि हम अच्छे हमारे लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सहूलत मिले, लेकिन हमारे एक यार से ही जी कि इनमें हमारे ट्रांसपोर्टर को भी शरीक करें। BRT कॉरिडोर में बसों की तेज रफ्तारी बरकरार रखने के लिए अतराफ से आने वाली बसों के लिए स्टेशन्स पर मखसूस गुजरगाहें भी तामीर की जाएंगी। इसमें स्पीड ऑफ जो ट्रैवल है या कम्यूट है वो इंश्योर की जाएगी, ईज ऑफ कम्यूट इंश्योर की जाएगी। पिशावर BRT के स्टेशन डिजाइन मुनफरिद खसूसियात रखते हैं, इनकी गुंजाइश ज्यादा है और ये कुशादा और आरामदेह हैं। ये मौसमी असरात से महफूज और हर तरह के मुसाफिरों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। ये डिजाइन पिशावर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक जदीद तस्वर मुतारिफ कराएंगे। मास ट्रांजिट सिस्टम इसी सूरत मुअसर हो सकता है जब इसमें पैदल चलने वाले अतराफ के इलाकों और ट्रांजिट स्टॉप्स के दरमियान महफूज तरीके से सफर कर सकें। BRT का एक जुज इस तक महफूज और आसान रसाई भी है। पिशावर BRT के स्टेशन तक रसाई के लिए सीढ़ियाँ, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स और माजूर अफराद के लिए मखसूस दरवाजे भी बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में दूसरे BRT के मुकाबले में पिशावर BRT ज्यादा खसूसियात का हामिल है। इस BRT प्रोजेक्ट के कॉरिडोर के साथ साथ साइकिल सवारों के लिए अलहदा रास्ता भी बनाया जाएगा। पायदार और महफूज सफर के लिए साइकिल लेन नेटवर्क को BRT के साथ मरबूत किया जाएगा। BRT स्टेशन पर साइकिल के लिए पार्किंग भी बनाई जाएगी ताकि सारिफ BRT स्टेशन से मुंसलिक होने से पहले और अपने सफर के इख्तिताम पर आसानी से साइकिल इस्तेमाल कर सकें। BRT स्टेशन तक रसाई के जराए जितने ज्यादा होंगे सारिफ के वक्त की उतनी ही ज्यादा बचत होगी। BRT के जो हिस्से बुलंद किए जाएंगे उनके नीचे पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए भी लेन तामीर की जाएंगी ताकि वो BRT से मुंसलिक हो सकें। इस BRT कॉरिडोर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक न सिर्फ ये के रास्ते में आने वाली इमारतों की तजीन व आराइश की जाएगी बल्कि नकासी आब के निज़ाम की बेहतरी, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए सहूलियात और पार्किंग भी मुहैया की जाएंगी। Well, this BRT will definitely transform one of the Peshawar's main corridor because we will restructure the entire corridor from one facade to another one. हम पूरे शहर के लिए सिस्टम भी दे रहे हैं कि एक पैदल चलने वालों को भी सहूलत हो ताकि हर एक को इससे फायदा पहुंचे। जूं-जूं पेशावर शहर तरक्की करेगा तो इससे सफर करने वालों की तादाद में भी इजाफा होगा। और मुझे भरपूर यकीन है कि पेशावर के जो बासी हैं, पेशावर के जो शहरी हैं, इसको खुशामदीद कहेंगे। पेशावर BRT न सिर्फ शहरियों की तेज तर नकल व हरकत के मौके पैदा करेगा बल्कि माहौल पर भी इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। BRT पेशावर के शहरियों के लिए एक आरामदेह सफर की नवीद लाएगा।